अच्छा जिम्मत सो रही है तो मैंने कहा एक दो चीज़ों को मैं आंसर कर दूँ इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, कि मैं हमेशा 8 to 10 kg वेट लूज़ करती हूँ तो ही मैं कंसीव करती हूँ, तो उसको मैं फर्दर लेके चलना चाहूँगी जितने मुझे उसके बाद मैसेजेस आ रहे हैं। वो ये उसमें दो तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक लड़कियाँ कहती हैं कि आप ही हमारा तो वेट ही गेन नहीं है, लीन PCOS है, तो अब हम क्या करें, हम हमारे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि हम वज़न कम करें तो हम प्रेगनेंट हो जाएं। दूसरी कहती हैं कि आप ये बातें तो हर डॉक्टर ही बता देता होता है, जिस डॉक्टर की शक्ल देखो वो आगे से जो लड़की भी BMI में जो भी 8-10-15 kg ओवर वेट है उसको फ़ौरन डॉक्टर बिन देयर डन दैट। आप गायनाकोलॉजिस्ट के कमरे के अंदर दरवाजे में पाँव रखोगे ना तो उन्होंने आपकी शक्ल देख के कहना वज़न कम करो, तो ये बातें तो हर कोई बता देता है, तो मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो हमें पता नहीं है। बट PCOS के साथ वज़न कैसे कम करें, या अगर ऑलरेडी लीन PCOS है तो कैसे कंसीव करें। मैं यही बता रही थी कि मेरा ये पेज बनाने का ना पर्पज़ ही यही था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई आउटलेट मौजूद ही नहीं थी जहाँ पर आप ये बातें डिस्कस करो। अच्छा तो ट्रीट PCOS तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी डॉक्टर ने भी आपको कोई मायोइनोस्टॉल दिया हुआ है तो बेशक वो लेते रहो, इट्स नॉट समथिंग कि भाई यही लेना है। ये सिर्फ मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत मेरा इनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस लगा था रहा था, सबको पता है जो मेरे अपने फॉलोअर्स हैं, जब मैं ज़िमल की दफ़ा मैंने इन्हीं के साथ कंसीव किया था, वेरी अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, मैं से वेट लूज़ करना चाहती थी, तो फिर उसके बाद ही मैंने फर्दर इनके साथ काम करना स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे। अगर आप कोई और भी मायोइनोस्टॉल यूज़ कर रहे हो बेशक वो यूज़ करते रहो, या अपने गायनों से पूछ लो। ठीक है, तो मायोइनोस्टॉल है, डीकायरोइनोस्टॉल है, मिथाइल फोलेट है, विटामिन B12 है, COX-10 है, ये सारी चीज़ें आपको कंसीव करने में हेल्प करती हैं। 2 sachets डे लो, एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात को खाने के बाद। ये एग की क्वालिटी अच्छे करता है, साइज़ ओव्यूलेशन में हेल्प करता है और प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में, प्रोजेस्टेरोन लेवल बैलेंस करके और मिस कैरेजेस से भी बचाता है। ये तो मोस्टली लोगों को पता है, ये उन लोगों के लिए जिनको तो यहाँ तो लीन PCOS है, बहुत पतली है, वज़न नहीं कम करना, या अगर वेट लॉस के साथ साथ भी जो PCOS क्योर करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जो लोग, अब मैं वो बात हो गई कि जो जिन लोगों को तो खाली पतले लोग हैं, लीन PCOS है, वो लोगों से PCOS आशे टू लें, दैट इज़ इनफ फॉर देम। अब जो दूसरे लोग हैं जो लोग कहते हैं बार बार कि आप ही हमें पता है कि हमें वज़न कम करना है, यार लोगों को लगता है या शायद डॉक्टर को लगता है कि हमें शीशा नहीं नज़र आ रहा, हमें पता नहीं है कि हमें वज़न कम करने की ज़रूरत है, हमें भी पता है लेकिन हो नहीं रहा ना, हो नहीं रहा। एक तो PCOS आशे भी डेफिनेटली हार्मोन्स को बैलेंस करता है, तो वेट लूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत स्पीड से लूज़ होने लग पड़ता है। आप रिव्यूज़ देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, डॉक्टर से पूछ सकते हो, व्हाटएवर यू फील लाइक। अच्छा लेकिन फिर भी अगर तो आप कुछ कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी खुद एक्सरसाइज से, वॉक से, कैलोरिक डेफिसिट से बहुत अच्छा वेट लूज़ कर रही हूँ, यू डोंट नीड एनीथिंग, तब बस बहुत है, ठीक है आप PCOS आशे लो। लेकिन अगर आपको लगता है यार हमें पता है हम वज़न कम करने की ज़रूरत है लेकिन हमसे नहीं करने हो रहा, डेफिनेटली टेक मेक्सलिम। इवन आजकल खुद मैं ट्रेडमिल के साथ जो है वो मेक्सलिम यूज़ कर रही हूँ, 1 tablet डे लो। ये एपेटाइट सप्रेसेंट है, फैट बर्नर है, इससे भूख भी कम लगती है और बिल्कुल हर्बल है, कर सकती है। देन अगेन यू कैन आस्क योर डॉक्टर।